ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन. अच्छा तो 50 पैसा कॉइन कितने हैं? 100 हैं. ओके ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये टोटल के काम आएगा. और अगला देखते हैं, 1 कॉइन 1 रुपये के कॉइन कितने हैं? 50 हैं. तो चलिए साथ साथ हम इसका टोटलिंग भी करते रहते हैं क्योंकि उसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पहले. तो दैट इज टोटल. टोटल कितना है हमारे पास? दैट इज सबसे पहले है 100. ये हो गया 100. देन प्लस 100 पैसा का 100 है 50 पैसा. तो 50 पैसा कॉइन कितना हो गया? 100. अगला क्या है? 1 रुपीज़ कॉइन कितना है? 50. तो ऐड कर दो 50. 150 हो गया. देन 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स. तो 2 रुपीज़ कॉइन कॉइन चलिए जितना भी हो लास्ट में काम आएगा, पर टोटल कितना ही देखना है. तो 20. तो 20 और प्लस कीजिए, और भी है प्लस करने के लिए. सो दैट इज एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन. तो 10 रुपये और ऐड कर लीजिए. अब आप पहले टोटल निकाल लीजिए. तो टोटल हो गया होगा 180. चेक कीजिए, 150 150, देन 50 70 80. हाँ बिल्कुल सही है, 180. तो टोटल हो गया 180. अब इस 180 का यूज़ होगा डिनोमिनेटर्स में, हम इसको लिखेंगे. तो चलिए अब डायरेक्ट आप चाहे तो, इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन. अच्छा तो ये कहते हैं ठीक है, सभी कॉइनों के बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली कह रहे हैं और हो सकती है. ओके तो चलिए निकालते हैं. प्रोबेबिलिटी विल बी अ 50 पैसा कॉइन. तो 50 पैसे का कॉइन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी. तो ठीक है, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर में 100 रख देते हैं भाई. सो लीजिए 100. 100 नहीं, टोटल है 180. ये हो गया डिनोमिनेटर में. अब हमें न्यूमरेटर में उतना रखना है जिसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ही है. तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? 50 पैसा कॉइन. अब ढूंढ लीजिए 50 पैसा कॉइन कितने हैं, कहाँ है ये रहा 50 पैसा कॉइन कितने हैं? 100. ओके सो न्यूमरेटर में 100 लिखना पड़ेगा. सॉल्व कीजिए और आपका आंसर तैयार हो जाएगा. इजी. तो सबसे पहला कंप्लीट हो गया. सेकंड है हमारे पास विल नॉट बी अ. अच्छा देखिए रिवर्स क्वेश्चन है, विल नॉट बी अ. यहाँ पर हमें दो काम करना पड़ता है. पहले 5 कॉइन, ये जो ₹5 कॉइन है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी. फिर नॉट के लिए हमें 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को माइनस करना होगा. तो चलिए पहले 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं पता कीजिए. 5 रुपीज़ कॉइन ये 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं? 10. तो फिर से सेम, आप डिनोमिनेटर में पहले 180 रख लीजिए और अब न्यूमरेटर में हमें उतना रखना है. पहले तो हमें यहाँ पर पहला काम करना पड़ेगा और वो ये है कि 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं? 10. तो ये जब हम 10 रखेंगे तो इससे तो ये जो आया है ये आ गया है 5 रुपीज़ कॉइन के होने की प्रोबेबिलिटी. अब हमें विल नॉट बी आ निकालिए, तो इसे 1 में से माइनस कर दीजिए, वो भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. सो बस आप इसे सॉल्व कीजिए एंड यू गेट योर आंसर. Okay, thank you.